नमस्कार, मैं नील सकरवाल, फिजिक्स लेक्चरर, गवर्नमेंट स्कूल बांसवाड़ा। अब हम आज की वीडियो में बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए राज्य सरकार के क्या निर्देश हैं। इस समय दिसंबर माह में एक ऑर्डर जारी हुआ है, उस ऑर्डर के अनुसार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को किस प्रकार से अध्यापन का कार्य करवाना है, उसको मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या विषय वस्तु रहेंगी, किस प्रकार से इसको अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। इस ऑर्डर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। 2021 हेतु कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत स्माइल 2 ई कक्षा आदि के माध्यम से निरंतर अध्ययन करवाना है। आओ घर में सीखे, ये इसका टाइटल है। और स्माइल 2 के अंतर्गत, स्माइल 2 कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत अध्ययन करवाना है। इसके लिए विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवानी है। कार्य पुस्तिकाएं दी गई है राज्य सरकार द्वारा, वो विद्यार्थियों को उपलब्ध करवानी है। संबंधित शिक्षकगण उपलब्ध करवाई गई कार्य पुस्तिकाओं को विद्यार्थियों द्वारा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक इसके पूर्ण निश्चिता करेंगे कि विद्यार्थियों ने कार्य पुस्तिकाओं को पूरा कर लिया है। और वार्षिक परीक्षा जो है वो संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ली जाएगी और पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वो बिल्कुल आप पाठ्यक्रम अपने पास रखें, उसी के अनुसार कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को अध्यापन का कार्य करवाएं। कौन सा पार्ट हटाया गया है, जो हटा दिए हैं वो अध्यापन में आपको नहीं लेने हैं, जो रखे गए हैं उन्हीं का ही अध्यापन कार्य करवाना। इसके लिए अब गृह कार्य से तैयार पोर्टफोलियो का संधारण करना है और वही अंतिम वार्षिक परीक्षा के भाग रहेंगे। इसके अलावा जो कक्षा क्रमोन्नति का आधार है वो अंतिम वार्षिक परीक्षा ही होगी, तो ये जरूर ध्यान रखिए। जैसा पिछले साल कर दिया था कि क्रमोन्नत डायरेक्ट कर दो लोकल क्लासेस को, इस बार ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट पहले भी इस बारे में क्लियर कर चुकी है, दिसंबर में ये जो आदेश मेरे पास है, इस आदेश के अनुसार इस महीने जो आया है दिसंबर माह में, इसमें भी ये क्लियर कर दिया गया है कि कक्षा क्रमोन्नति का आधार यानी अगली कक्षा में प्रवेश का आधार वार्षिक परीक्षा रहेगी, चाहे कक्षा 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो। कक्षा 8 के लिए बोर्ड एग्जाम करवाए जाएंगे, ये भी बिल्कुल साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। 8वीं बोर्ड का जो है वो कक्षा 8वीं का बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। अब बात आती है इनके परीक्षा के अंकों की, तो इनमें कक्षा क्रमोन्नति का आधार वार्षिक परीक्षा रहेगी। वार्षिक परीक्षा में 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे, 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे, जिसमें क्या होगा, कार्य पुस्तिका होगी, गृह कार्य होगा और पोर्टफोलियो का आधार होगा। पोर्टफोलियो में जो संधारण किया गया वो गृह कार्य जो आपने दिया है, कार्य पुस्तिकाएं जो दी है उसके आधार पे उनको 40% नंबर दिए जाएंगे। अब बचे 60%, 60 में से 10% उनकी मौखिक परीक्षा का आधार होगा, 10% मौखिक परीक्षा होगी उनकी, उसमें 10% दिए जाएंगे। बाकी बचे 50%, 50% का अंक विभाजन परीक्षा के आधार पे होगा, परीक्षा उनकी होगी उसमें 50% अंकों को लिया जाएगा। बाकी 50% में से 10% मौखिक और 40% आंतरिक मूल्यांकन का आधार होगा। ये सिस्टम रहेगा कक्षा 6 से 8 का। तो बिल्कुल सभी शिक्षक साथी जो हैं वो इस नियमानुसार जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करें, उसके अनुसार पोर्टफोलियो संधारण करवाएं, कार्य पुस्तिका वितरित करें, उनका गृह कार्य की जांच करें, उसके आधार पर उनकी तैयारी करवाना सुनिश्चित करें।